अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं गोल्ड के एनालिसिस। उससे पहले मैं डेट एंड टाइम आपको शो करवाता हूँ। मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे और डेट एंड टाइम को देखते हैं हम। इस टाइम वेडनेसडे 7 जून 2023। अब मैं जाता हूँ अपना फेसबुक का एक पेज है जिसका नाम है फॉरेक्स पीके फॉरेक्स इंजीनियर। ये देखो, एक दिन पहले की पोस्ट की हुई है मैंने। गोल्ड सेल करवाया था 1965 और 67 के एरिया से, SL 1972 का था। ये एक दिन पहले के एनालिसिस है। अब देखते जाओ लोगों ने कितना प्रॉफिट किया। अब यहाँ से हमारा सेल था ये 1967 और 65 के एरिया से, ठीक है, और SL हमारा क्या था 1972। अगर हम यहाँ से सेवन के $5.0501 की ट्रेड हम डालते हैं, बड़ी ट्रेड पे नहीं कह रहा मैं, $5 वो, और अगर 5 से रही थी $60, मतलब हमारे जो लॉस होना था वो हमारे $12 का था, ठीक है। उसके बाद हमारा TP क्या था 1942 का। अब ये मल्टीप्लाई आप खुद देना कि कितना प्रॉफिट हो गया लोगों को। ये TP भी हिट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। उसके बाद अब मैं दोबारा भी एक अगेन ट्रेड मुझे लगा कि देनी चाहिए, एनालिसिस बन रहे थे, फिर मैंने शेयर कर देता हूँ। और मेरी वीक में एक दफ़ा आ जाता है वीडियो अक्सर, या अगर मुझे ट्रेड बन रही हो तो अक्सर मैं गोल्ड पे करता हूँ। अगर ट्रेड बन रही हो तो मैं दे देता हूँ, वरना फिर मैं वेट करता हूँ मार्केट का पूरा। तो लोग ट्रेड में फंसा लेते हैं, बाद में नुकसान करके मैसेज कर देते हैं, भाई अब क्या करें अब क्या करें। भाई यकीन मानो, अगर आप मेरे एनालिसिस पे ही आप इसको ट्रेड डाला करो ना, तो मुझे इतना पता है आपने, मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको। मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि आपने जब भी ट्रेड करनी है, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आपने रहना है और प्रॉफिट भी कमाना है और मार्केट में स्टे करना है, तो भाई 1:3 के साथ आप ट्रेड करें। ये एक ऐसा फार्मूला है। फॉर एग्जांपल, अब थोड़ा समझना चीज़ों को। 1:3 का ये होता है कि अगर आपका $1 का नुकसान हो ना, तो $3 प्रॉफिट में हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेड लेता हूँ 0.01 की, जैसे कि मैंने इधर यहाँ पर अभी सिग्नल भी दिया 1967 से मेरी 1 थी और SL मेरा 1972 का था। कितने डॉलर का बन रहा है? $5 का बन रहा है। तो हमारा जो TP होना चाहिए था वो होना चाहिए था, क्योंकि 1:3 का है। $5 का अगर लॉस है तो $15 का हमारे पास प्रॉफिट आना चाहिए था। 7 और यहाँ तक हमारे $17 बनते हैं 1.70 का। अच्छा, और ये हमारा काफ़ी डॉलर बन रहे हैं यहाँ से, तो ऐसे 2 पे आती है तो फिर काफ़ी डॉलर बनते हैं। $8 ये और 7, 17, 26, 27 डॉलर बन रहे हैं हमारे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस रेशियो से 1:3 के साथ आप प्ले करते हो, तो इसका ये है कि आपके मार्केट में 7 SL हिटों, 7 SL हिटों और सिर्फ सिर्फ 3 TP हिट हो, तो आप यकीन मानो, आप बाकी आप कैलकुलेट आप खुद करोगे। अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो वो आप खुद कैलकुलेट करोगे कि आपके 7 SL हिटों और 3 TP हिट हो तो आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेड जो मन रही है वो बताना चाह रहा हूँ मैं। ये देखें, 1954 की लिमिट लगा दो, 54 की लिमिट लगा दो बस। अगर होती है तो एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर थोड़ा सा नीचे कर लो तो 52। ये दो ट्रेड हैं। इधर से आपने इस छोटे अकाउंट वाले 54 का ही वेट करें, अगर मार्केट चांस देती है तो इसको, बाकी जिनका अकाउंट बड़े हैं वो 1954 का, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी इसी सपोर्ट बनाया हुआ था। अब जिस कैंडल